न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। महापौर जगत बहादुर रंगू सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी, विधायक विनय सक्सेना जी, विधायक संजय यादव जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सर्वप्रथम स्वागत भाषण देने के लिए जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं संस्कारधारी जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अंडू जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें और स्वागत भाषण दे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज मां नर्मदा की गोद में बसे विनोबा भावे जी की संस्कार धानी जबाली ऋषि की तपोभूमि में हम सब के बीच में बड़ी कृपा से पधारी देश की नेत्री, हम सब की मार्गदर्शक, देश का भविष्य आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संस्कार धानी में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े कृपा पूर्वक हम सबको आशीर्वाद देने वाले सम्मान्य कमलनाथ जी, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित मंच पे जैसा मुझे निर्देश प्राप्त है, आप सभी को मैं बहुत बहुत पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ सामने बैठे हुए जबलपुर शहर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश से पधारे, महाकौशल से पधारे मेरे सभी पूज्य एवं प्रियजनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी, ये जबलपुर वो शहर है जो इतिहास की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, हर दृष्टि से एक सर्वोपरि शहर है। इस शहर से ही जब भी आवाज निकली है तो पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गई है। पिछले बार हम लोगों को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंडेट मिला था, हम लोगों ने सरकार बनाई थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय पूर्वक हम लोगों की सरकार गिराई थी। परंतु उस 15 महीने की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने जबलपुर को बड़ी सौगातें दी थी। हमारे विधायक गणों के निवेदन पर माननीय विवेक तनखा जी ने आग्रह किया था माननीय कमलनाथ जी से, और जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी और जबलपुर को 2800 करोड़ रुपए के कार तत्काल मिले थे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ना ही नेतृत्व जनप्रतिनिधि दिया महाकौशल को, ना ही कोई काम कराए। हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी ने महापौर का मुझे चुनाव लड़ाया, तनखा साहब और सारे विधायक गणों ने मुझे यहाँ आम जनता से चुनाव जितवाया। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, जबलपुर शहर में 8 सीटें हैं, 4 हमारे विधायक हैं। हम लोग अपनी काम को बहुत ताकत से करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 8 सीटें जबलपुर से निकाल के देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। इस शहर को आदरणीय नेहरू साहब, आदरणीय इंदिरा जी, राजीव जी और अभी वर्तमान में 2-3 बार राहुल जी के आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप इस पावन भूमि में, पावन माटी में पधारी हैं। हम सब मध्य प्रदेश के लोग, प्रमुख तौर पे हमारे जबलपुर संस्कार धानी के लोग आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जबलपुर। मैं इसी क्रम में
हमारे जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई संजय यादव जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी आए और इस सभा को संबोधित करें। प्रियंका नहीं आंधी है, प्रियंका नहीं आंधी है। आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सम्मानीय मंच, मैं आदरणीय प्रियंका जी को बताना चाहता हूं कि 2018 में जब राहुल जी ने यहां से शंखनाद किया था उस समय कांग्रेस के दो एमएलए थे, लेकिन राहुल जी के आने के बाद हम लोग 4 एमएलए हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप आई हैं तो हम लोग 4 से 8 एमएलए इस जबलपुर में हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की इन 18 वर्षों की सरकार ने मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल कर दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे आदिवासी भाई हो, दलित भाई हो, उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में जो 15 महीने की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने जो गौशाला बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस महाकौशल के साथ जो विश्वासघात किया है, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जबलपुर के लिए एक इबारत लिखी गई थी आदरणीय तनखा जी ने जब यहाँ कैबिनेट कराई थी। मैं आपसे ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार आएगी, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश और मेरा बरगी विधानसभा को छिंदवाड़ा के मॉडल पे तैयार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, जबलपुर पूर्व के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लखन गणगौरिया से अनुरोध करूंगा कि पुष्प देकर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। और इसके पश्चात हमारे जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विनय सक्सेना जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आकर सभा को संबोधित करें। भाई विनय सक्सेना जी, विधायक जबलपुर उत्तर। परम आदरणीय, हमारे हिंदुस्तान की सबसे चमकते सितारे के रूप में हमारे इस उत्तर मध्य विधानसभा में पधारी माननीय प्रियंका गांधी, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उठे हजारों हाथ हैं प्रियंका गांधी के साथ है, उठे हजारों हाथ हैं। आज हिंदुस्तान के हृदय स्थल जबलपुर और जबलपुर का हृदय स्थल हमारे इस मध्य विधानसभा में माननीय प्रियंका जी का, माननीय कमलनाथ जी का और पूरे सम्मानी मंच का मैं हाथ जोड़ के सम्मान, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और ये हजारों हजार कार्यकर्ताओं का भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज इस बात का एहसास करा दिया कि महाकौशल हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति को बदलता है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, भावी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जबलपुर शहर का चयन ये स्थापित करता है कि कांग्रेस के लिए महाकौशल और जबलपुर कितना महत्वपूर्ण है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और उनके दो बातें जो हैं हिंदुस्तान के जयन में है। जब वो ये बात कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं को विश्वास होता है कि एक ताकत उनके साथ खड़ी है। और माननीय जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और इसका एहसास डबल इंजन की सरकार को मणिपुर में हो रहा होगा कि डबल इंजन कहने पर से देश नहीं चलता। इसी तरह से बालासोर में डबल इंजन की सरकार के चलते जो दुर्घटना हुई, उसने एहसास करा दिया कि नाम रखने से सरकार और देश नहीं चलता, देश चलता है शहीदों की इस कांग्रेस पार्टी से। मैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में जो छल मध्य प्रदेश के साथ हुआ है, एक विश्वसनीय व्यक्तित्व के रूप में कमलनाथ जी सामने आए हैं और हम सब लोग
हजारों हजार कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर सभा को संबोधित करने के लिए जबलपुर उत्तर मध्य के विधायक विनय सक्सेना जी के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय लखन गनगोरिया जी को। आज के इस विशाल आम सभा में उपस्थित हमारी नेता परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंच पर उपस्थित हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य और परिजन, सामने बैठी भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथियों, आज मातेश्वरी माँ नर्मदा की गोद में बसे इस जबलपुर शहर और रानी दुर्गावती की कर्म भूमि पे प्रियंका जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ऐसी शख्सियत जिनके साथ शहादत की विरासत हो, जिनके साथ सच्चाई और जीवटता की का इतिहास हो, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी है। और मैं ये कहूंगा कि आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी आज के इस दौर में जब लोग झूठ सच बोल से डरते हो, तब आप सच्चाई के लिए पूरे देश भर में निकले हैं। हिंदुस्तान की आशा का केंद्र है। किसी ने लिखा है कि अंजाम चाहे कुछ भी महीने का शासन काल, जिसमें तो शिवराज सिंह एक झूठ बोल के गए कि कन्यादान योजना में एक भी शादी नहीं हुई। और मैं कहना चाहता हूं कि 75,464 शादी 15 महीने के अंदर कन्यादान योजना में हुई थी और 384 करोड़ रुपया इस सरकार ने दिए थे 15 महीने में। यह सैलाब शिवराज सिंह का के झूठ को खाड़ के फेंक देगा। ये हुजूम ऐसा नहीं है, ये हुजूम माननीय कमलनाथ जी की उस सरकार के प्रति अपनी आशाओं के लिए है, जिन आशा से लोगों ने यह सरकार को चुना था। और मैं कहना चाहता हूं कि मगरूरियत में ना कोई ख्वाब देखना, मोदी जी शिवराज जी और उनके गुप्तचर सुन लें जो यहां सांस की तो
तौर पे लगे होंगे। मगरूरियत में ना कोई ख्वाब देखना तुमको बहा ले जाएगा, ये सैलाब देखना। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रियंका जी, हम सब के लिए माननीय कमलनाथ जी, हम सब की आशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी को इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम सबके बीच में हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई हैं। हमने देखा कि जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो जब वो वहां गई, ये अनाउंस भी नहीं करने देते यार, नारी सम्मान योजना। माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के बाद लागू करेंगे। हमारी माताओं बहनों को 18,000 रुपए प्रति वर्ष मिलना चाहिए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वही फॉर्म आज हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी हमारी बहनों को प्रतीकात्मक रूप से सौंप रहे हैं। 2023 में सरकार बनेगी और सबसे पहले ये काम हम लागू करेंगे। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं एक बार पुनः जोरदार नारे के साथ गुंजावाहित कर दीजिए आसमान को, ये मैसेज जाना चाहिए, ये जाना चाहिए समाचार माँ कौशल की राजधानी जबलपुर से कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ। हमारी बहनों को चाचा ऐसे मत करो, हमारी बहनों को वो फॉर्म प्रियंका जी खुद दस्तखत करके दे रही हैं। और मैं भाजपा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो दस्तखत प्रियंका गांधी जी कर रही हैं वो कांग्रेस की सरकार बनने पर अंतिम लकीर है, इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। हम आपके जैसे झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में जो कहा उसको किया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, श्रद्धेय प्रियंका जी, सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय राजा साहब, सम्मानीय तनखा जी, राहुल भैया, उपस्थित मंच पर सभी हमारे मार्गदर्शकगण, सामने सभी देवियों सज्जनों साथियों नौजवान साथियों, भाई आज जबलपुर की इस संस्कार धानी से आदरणीय प्रियंका जी एक नई जंग का ऐलान करने आई हैं। प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार जो लुटेरी सरकार है और इस लुटेरी सरकार जो कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को लूट कर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन वाली सरकार बनी है, इसको नेस्त नाबूद करने के लिए आज प्रियंका जी ने बीड़ा उठाया है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से शुरू की है। गांधी परिवार का इतिहास है, ये हमेशा से अन्याय के विरुद्ध लड़ा है। इस परिवार ने विरोधियों की गालियां भी सही हैं, गोलियां भी खाई हैं। जब जब देश पर जुल्म अत्याचार ढाए उस समय ये परिवार अपने सर्वस्व नौछावर करने के लिए आगे आया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी ने अभी बागडोर संभाली हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के साथ कर्नाटक तक जो विजय की पताका फहराई है वही विजय की पताका फहराने के लिए अब प्रियंका जी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में समूचे
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ हमारा नेतृत्व करेंगी। राहुल जी के यात्रा के समय में भारत जोड़ यात्रा में जो ऊर्जा उत्साह नौजवान किसान मजदूर सामान्य वर्ग छोटे तबके को मिला है, उसमें प्रियंका जी ने भी कंधा कंधा से मिलाकर हम लोगों को और कांग्रेस पार्टी को जो ऊर्जा और सम्मान तथा ताकत दी है, वही ताकत आज पूरे प्रदेश में और देश में निकलकर उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिसने व्यापम से डंपर से लेकर व्यापम तक आजीविका मिशन से लेकर आंगनबाड़ियों के कार्यकर्ता का शोषण तक तमाम कम से कम 100-150 से बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। इन सब भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए प्रियंका जी हमारा नेतृत्व करने आई हैं। हम सब आप सब की ताकत के बल पर आगामी होने वाले 2023-24 के चुनाव में प्रियंका जी और राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। मैं आज प्रियंका जी के रूप में इंदिरा जी की तस्वीर देखता हूँ। इंदिरा जी ने अन्याय के खिलाफ जब उन्होंने पूरे देश में अपने दुर्गा का रूप धारण कर पाकिस्तान के दो टुकड़े कराकर बंटवारा करा के बांग्लादेश बनाया, इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को नया अपने देश में मिलाकर नया 25वां राज्य बनाया, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में राजस्थान में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को हला दिया। आज वही रूप में प्रियंका जी में देख रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि शिवराज की सरकार को प्रियंका जी हमें आपको सबके साथ लेकर इस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेस नाबूद करने के लिए हमारा नेतृत्व करेंगी। मैं उनका इस मध्य प्रदेश की संस्कार धानी पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के संबोधन के बाद मैं उस शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसने राजनीति के क्षेत्र के अलावा कानून के क्षेत्र में भी जबलपुर संस्कारधारी का नाम पूरे हिंदुस्तान में गौरव और गौरव के साथ फैलाया है। हमारे बीच में हमारे सांसद जबलपुर के सुपुत्र आदरणीय विवेक तनखा जी यहाँ पर है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आकर इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी, मुझे आदेश है 2 मिनट बोलने का, तो मैं 2 मिनट ही बोलूंगा। मुझे 3 बातें बोलनी है। पहली बात जबलपुर और महाकौशल और इस पूरे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे पूरे क्षेत्र में एक मंत्री नहीं है, ना महाकौशल में, ना विंध में, ना बुंदेलखंड में। और राहुल भैया बैठे हैं, पूछे, एक जो स्पीकर साहब भी बने थे वो इसलिए बने थे कि कहीं छोड़ के नहीं चले जाते। तो इससे बड़ी उपेक्षा कभी इस पूरे रीजन के साथ नहीं हुई है। तो हमारा पहला दर्द ये, कमलनाथ जी, आपने अपने कार्यकाल में यहाँ कैबिनेट की मीटिंग कराई थी और पहली बार 70 साल में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी। 3,000 करोड़ के वित्त मंत्री जी और सब लोग ने मिलके प्रपोजल सैंक्शन कराए थे और वो सब प्रपोजल खत्म कर दिए गए, ठंडे बस्ते में चले गए। हमारा पहला है कि आप आते ही अगली कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में करेंगे, नहीं तो हम आपके घर के बाहर धंधा देंगे। नंबर टू, मैं नर्मदा पुत्र हूं और जितने लोग यहां बैठे हैं जबलपुर से कनेक्टेड और महाकौशल से कनेक्टेड, ये सब नर्मदा पुत्र हैं या पुत्री हैं। जिस प्रकार से नर्मदा में अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस प्रकार से मशीनें चल रही हैं, जिस प्रकार से डंपर चल रहे हैं, कमलनाथ जी और हमारी सरकार आते हुए पूरे नर्मदा में उत्खनन का कंप्लीट बंद होगा। अदरवाइज हम इसको हमारे जिस जगह हम अपने अपने बुजुर्गों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, हम उस जगह
बिल्कुल अवैध उत्खनन को नहीं चलने देंगे। तीसरी बात, इस पूरे महाकौशल क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से वंचित रखा गया। आज भी जबलपुर से हजारों बच्चे जाके बाहर पढ़ते हैं और लौट के इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है। अस्पताल की हालत यह है, कोई बता दीजिए, कोई जन अगर सीरियस हो जाता है तो क्या उसको जबलपुर में इलाज मिल पाता है? सबको बम्बई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है और एक ट्रेन नागपुर जाती है। कमलनाथ जी, प्रियंका जी, ये तीन विषय हमारे शहर के लिए बहुत बड़े हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास। और मैं चाहूँगा आते ही 5 साल के अंदर 10,000 नौकरियां जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में लोगों को मिले, जिससे कि ये क्षेत्र समृद्ध हो। आखिरी बात, हमने इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी और भ्रष्टाचार का आलम यह हो गया है कि अब ईश्वर को भी नहीं छोड़ा और ईश्वर के मंदिर को भी खंडित कर दिया। अब ईश्वर भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। अब तो कांग्रेस को आना निश्चित ही जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय जेपी अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सभा को संबोधित करें। जरा मेरे साथ आप सब लोग भी बोलेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मंच पर बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, साथियों, दोस्तों, प्रियंका गांधी जी आज हमारे बीच में हैं। प्रियंका गांधी जी जहाँ जाती हैं उनके साथ कांग्रेस का इतिहास चलता है। कांग्रेस का साधारण इतिहास नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी और जब आज़ादी मिल गई उसके बाद हमारी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए प्राण न्योछावर किए। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी ने इस देश के लिए जान दी है। जब आप चलती हैं कांग्रेस का इतिहास चलता है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है। हमारी जिम्मेदारी है एक भ्रष्ट सरकार को हटाकर एक साफ सुथरी सरकार देना। कांग्रेस आएगी, लोगों का भला होगा। कांग्रेस आएगी, लोगों को उम्मीद होती है कि एक अच्छी सरकार आएगी और वो हमारा काम करेगी। आप यहाँ आइए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पे माँ नर्मदा के अंचल में रहने वाले लोग बैठे हैं। हम सबको पता है कि जब भी हम कोई पुण्य का काम शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले माँ नर्मदा का पूजन अर्चन करके आते हैं और उसके बाद शंख बजाकर, शंखनाद कर आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने माँ नर्मदा का पूजन किया और अब मैं आह्वान कर रहा हूँ हमारे जो ब्राह्मण साथी यहाँ पर मौजूद है, विद्वज्जन यहाँ मौजूद है, कि वो शंख बजाकर हमारे मिशन 2023 का शंखनाद इस मंच से करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पूज्य विद्वज्जनों को। हम सबको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिल रहा है, शंखनाद होते मौसम भी बदल गया। तो प्रियंका जी, आपके आने से मध्य प्रदेश का भी अब मौसम साफ हो रहा है। मैं आदिवासी साथी हमारे विधायक भाई डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, आदिवासी प्रतीक चिन्ह तुर्रा उनको भेंट कर रहे हैं
और हम सब यह जानते हैं कि कर्नाटक में जब प्रियंका जी प्रचार के बाद आई हैं तो हमें विशेष रूप से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम पूज्य भगवान श्री सीताराम जी के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद वहां पे मिला। और वो जब गदा उनकी वहां पर चली तो उसका नतीजा आप सबने देखा। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है और प्रभु राम के सबसे बड़े अनन्य भक्त हनुमान जी की गदा कर्नाटका के बाद संस्कारधानी जबलपुर में भी आ चुकी है और आपने उनके दर्शन भी किए हैं। आप चूंकि कमलनाथ जी आपको 2023 के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है तो मैं जबलपुर में आप जब आए हैं तो प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि आप हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त भी हैं, आपने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति का पूरे दुनिया में वहां पर निर्माण भी कराया जहां हम सब पूजा करने भी जाते हैं। मैं गौरव भानोट जी से और आशीष जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि वही गदा का प्रतीक चिन्ह इस मंच पर आकर आप माननीय कमलनाथ जी को भेंट करें, जिससे आगे 2023 का जो चुनाव अभियान है उसमें प्रभु का आशीर्वाद हम सबको मिले। बजरंग बली की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए बजरंग बली की। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हम सबके लाडले नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और 2023 के भावी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को वो आए और आप सबको संबोधित करें। अब आप सब मेरे साथ मिलके बोलिएगा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजा शंकर श्याम, राजा रघुनाथ श्याम, राजा दलपत सिंह, राजा संग्राम श्याम, टांटिया मामा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं गांधीवादी सेठ गोविंददास जी को, पंडित कुंतीलाल मधुबे जी को, सुभद्रा चौहान जी को प्रणाम करता हूं। जबलपुर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की भूमि है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। संस्कारधानी जबलपुर कि इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रियंका जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे मेयर, हमारे सब विधायक, आपके जबलपुर के विधायक, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2023 का आज शंखनाद कर रहे हैं और ये एक चुनाव की केवल बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की बात है। जब मैंने प्रियंका जी को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगी आप, उन्होंने कहा मैं तभी आऊंगी जब सबसे पहले मैं नर्मदा की पूजन करूं। ये प्रियंका गांधी जी की शर्त थी। मुझे यहाँ आके 45 साल पहले की सड़कों में घूमने का, जबलपुर की सड़कों में घूमने का याद आती है, मुझे यहाँ आकर अपनी जवानी की भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे गर्व है प्रियंका जी कि आप वहां आई हैं, जबलपुर आई हैं, जो संस्कारधानी है। केवल संस्कारधानी नहीं है,
ये हमारी संस्कृति धानी है, हमारी जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आज भारत क्या है? भारत ऐसा देश है जैसा कोई विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने देवी देवताएं हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्म को भी जीवित किया, अन्य धर्म को जीवित किया। आज मेरा दिन नहीं है, आज प्रियंका गांधी जी का दिन है। और आप सब प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं करूँगा। प्रियंका जी, हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये उसकी राजधानी है। धर्म धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में लेती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये सबसे बड़ी बात है। पंद्रह साल बाद दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कैसा प्रदेश उन्होंने मैं सौंपा। प्रियंका जी, ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदेबाजी से हमने उन्होंने हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मैं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह जी ने पिछले 3 सालों में हमें दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, और एक और बात दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में, मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में, मैं हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है। और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां आज, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान
तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 5 महीने बाद कमलनाथ को मत देखना, कांग्रेस को मत देखना, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लेना और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे जबलपुर में तो 4 विधायक हैं और आगे आने वाले चुनाव में मुझे इसका पूरा विश्वास है कि पूरा जबलपुर जिला और जबलपुर कैंट और जबलपुर शहर का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जबलपुर के मेयर, हमारे चारों विधायक मानु तरुण जी, लखन जी, दिनेश जी, विवेक तनखा जी, ये सामूहिक रूप से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। हमारे जबलपुर के चारों निर्वाचित माननीय विधायक, मेयर साहब अन्नू भैया, प्रियंका जी का और कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अनाउंस करो क्योंकि मेरा इतनी दूर दूर से आप सब जिनके सुनने के लिए आए, इतनी कड़कती हुई धूप में आप यहां पे घंटों से खड़े हैं। मैं आपके और उनके बीच में अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि प्रियंका दीदी, आप हमारे बीच में आए हैं, हम सबका सौभाग्य है। और ये मां नर्मदा के अंचल में बसी जबाली ऋषि की तपोभूमि, आचार्य विनोबा भावे जी की संस्कार धानी और आचार्य रजनीश और महर्षि महेश योगी जी की कर्म भूमि है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी इच्छा मां नर्मदा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होती है। होती है कि नहीं होती है? तो दीदी, आपने मां नर्मदा का पूजन करके जो भी संकल्प लिया है वो जरूर पूरा होगा। और आपको उस संकल्प पे, आपको उस आह्वान पे हम सब जो यहाँ मौजूद है या जो नहीं भी हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हम सबकी प्रिय जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वो आए और हम सबको और आप सबको संबोधित करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले तो अपनी बहनों का और अपने भाइयों का स्वागत करना चाहती हूँ जो इतने समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की
पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को जैसे आपने कहा संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंती बाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया, इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है, इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए, इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में, पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्योछावर करके, कभी कभी अपना, कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो यही कर, इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है, चुनाव हो जाता है
चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहाँ खड़े होकर, इस संस्कारधानी धरती पर खड़े होकर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्योछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे, आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहाँ आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी है। तो मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में, राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं।
इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है कहीं पे, कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है, जो भ्रष्टाचार होता है इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे जन सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहाँ से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहाँ विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं, और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है, वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से, और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की, इस समय करने की क्या जरूरत है? तो ये इनका व्यवहार दिखा रहा है हमें कि ये सब कर्मकांड है, इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है अपनी ही बातों पर। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं, बहुत देख लिए हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे। तो आज आपके प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई है। मैं जानती हूँ, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हैं आप। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, और मेरे भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन मैं महिलाओं में कहूँगी कि महिलाएं थोड़ा आपसे ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप खेती में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो घर आके आप आराम से लेटते हैं, महिलाएं बाहर जाती हैं काम करती हैं, मजदूरी करती हैं या कोई नौकरी करती हैं या ऑफिस में ही बेशक काम करती हैं, तो घर आके भी काम करती हैं, और जब तक घर का काम ख़त्म नहीं होता, जब तक सब सही सलामत, सबने खाना नहीं खाया होता तब तक, खाना नहीं खाया होता तब तक सोती नहीं है। इसीलिए मेरे दिल में खास जगह है अपनी बहनों के लिए, कि महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा आप उठा रही हैं। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर लिया है कि खरीद नहीं पाते, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती हैं तो आधी चीज़ें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती हैं, और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं लेकिन सबको है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो ना पड़ता है, चाहे खाद हो, चाहे कुछ खाद हो, चाहे कुछ भी हो, सब महंगा पड़ गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है आपके प्रदेश में, भयंकर बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में सरकारी नौकरी दे रही है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भर्ती के इम्तिहानों के लिए, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, पेपर कोई गड़बड़ हो जाती है, जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे सब बर्बाद हो जाते हैं, जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है।
आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आई, एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है, तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है, फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5-6-7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतज़ार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा, तो रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, अरे मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था, तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतज़ार कर रहे हो कि बारिश आएगा, क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे, लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, हाथ उठा के मुझे बताओ कितनों को नौकरी मिली है। अगर उन 21 बच्चों में से एक है तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली नौकरी किसी को? आप एक जना हाथ उठा के बता दे मुझे कि क्या आपका जीवन सुधरा है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी? आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना? किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4,000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो,
किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं, 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नज़रिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नज़रिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नज़रिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नज़रिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, आज बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी कर्मचारियों का ये, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवेज में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है। सरकारी नौकरियाँ जो हैं उनका क्या हाल है। एक देखिए, सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें ये नया पेंशन नहीं चाहिए। और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, दो तरह की राजनीति है इस देश में। एक जो आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं। और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले
कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपये से 600 रुपये तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1,000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही हैं। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये का नहीं 500 रुपये का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया, आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है और देखिए दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए केंद्र में, 9 साल हो रहे हैं आपके प्रदेश में, 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है जो आपको नकार रही है, आपकी ज़रूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे हम किसी भी धर्म के हो हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी ये एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नेताओं को, और उसमें हम सब शामिल हैं, कि अगर हम आपका काम नहीं करें और चुनाव के समय आपके जज्बात उभारने की बात कर लें, या आपको किसी जैसे आप जज्बाती मामले पे आपकी आपको उकसा दें
और फिर उसके बल पर आपके वोट लेके सत्ता में बैठ जाएं, लेकिन फिर आपकी बिजली हम ना दिलवाएं, आपका विकास हम ना करवाएं, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं दिलवा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं और सिर्फ सत्ता के मज़े ले रहे हैं, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि 18 साल हो चुके, 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर किसी इंसान ने 18 साल में अपनी असलियत आपको नहीं दिखाई और आपको ये पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं करने वाले हैं, तो शायद कभी नहीं पता चलेगा। अब 18 सालों में आपने सब कुछ देख लिया, घोषणाएं देख ली, असलियत देख लिया, टीवी में विज्ञापन देख लिए, असलियत देख लिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लिए, बड़े बड़े इवेंट देख लिए और सच्चाई देख ली। तो अब आप तय करिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना है। अपने देश प्रदेश को विकसित बनाना है कि नहीं, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं, बनाना है ना। तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए, 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए 6 महीने हैं, ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोलें, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके, कितनी मुश्किल से निर्माण होता है, किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे, और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर, नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने, हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान में आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका पीठ हितरसा से प्राप्त आशीर्वाद माननीय कमलनाथ जी प्रियंका जी को देंगी, श्री लखन घनगोरिया और संजय यादव उनको दें। ये आशीर्वाद जो दे रहे हैं हमारे झूतेश्वर में जगतगुरु शंकराचार्य का जो पीठ है उनकी ओर से आशीर्वाद है। अब मैं डॉक्टर नीलेश जैन से कहूँगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। बोलती हूँ, जवाली ऋषि की तपोभूमि में माँ नर्मदा के तट पर देश की यशस्वी नेत्री श्रीमती प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय कमलनाथ जी और मंच में विराजमान समस्त वरिष्ठ नेताजन और इस चुनाव अभियान की शुरुआत में इस शंखनाद में जो आज यहां से ज्योति जलेगी बिजी उसमें आए हमारी पूरी दूर दूर दराज से जनता जनार्दन एवं आदिवासी भाई किसान भाई कांग्रेस जन और मातृशक्ति मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत